फ्रेंड्स देखो अभी मैंने टियाना को खाना दिया है और ये देखो ये क्या कर रही है, ये क्या मिट्टी में खेल रहे हो क्या टियाना? मैं तो खाना कम लग रहा है और ये मिट्टी ज्यादा लग रही है। सो ही गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। नाइसा को बस अभी छोड़ के आई हूँ स्कूल से और इतनी तेज बारिश हो रही है और कह रहे हैं कि रात से ही बारिश हो रही है, मतलब कि जिस दिन से कान्हा जी का जन्म हुआ है उस दिन से इतनी बारिश हो रही है। और जैसे कि रात को जन्माष्टमी को 12 बजे इतनी तेज बारिश हुई थी, इससे यही लग रहा है कि कान्हा जी का जन्म हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रियल में ही हो गया उनका जन्म, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश, क्योंकि अब तो मानसून का टाइम ही खत्म हो गया है। सो फ्रेंड्स अभी नाइसा आई है स्कूल से, फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर और फ्रेंड्स आज उसने हमें लंच पे बुलाया है तो आज लंच हमारा उन्हीं के घर पे है। बस मैं रेडी हो गई हूँ, नाइसा और टियाना भी रेडी हो गए हैं, तो चलते हैं उन मिलते हैं उनके घर पे। फ्रेंड्स देखो बारिश हो रही है और बच्चे आ रहे हैं पीछे धीरे धीरे अम्ब्रेला लेके, ये देखो कि धीरे धीरे आ रहे हैं और मैं फटाफट भाग रही हूँ क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, उन लोगों के पास अम्ब्रेला है। देखो गाना गाते हुए आ रहे हैं, ये देखो कैसे आ रहे हैं, देखो इतनी धीरे 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 धीरे। चलते हैं मेरी फ्रेंड के घर, हम दोनों की फ्रेंड के घर, चलो चलो। हेलो कैसे हो? हम ठीक है। और सीता क्या हाल है? बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, क्या हाल है? आज लंच में बुला लिया अचानक? अच्छा भाई ऐसा लंच में क्या क्या बना दिया? वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। खाने के बाद पराठे और साथ में दही पराठे, चलो बढ़िया है। अच्छा बस आते ही मस्ती शुरू इनकी, बैठ जाओ आप थोड़ी देर, बैठ जाओ, देख लो फ्रेंड। ओ ये देखो ये चल रही है इनकी मस्ती। देखो छिटकू से त्यांश, हाय त्यांश, हाय हेलो हाय। ये इसको देखो इसके चार चार लग गए। फ्रेंड हर किसी को अपनी कंपनी चाहिए होती है ना, बच्चों को बच्चों के साथ, बड़ों के बड़ों के साथ। देखो ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है, सर्कस में देखे तुम पहले जमाने में लग रहा है मुझे। इसको देखो, इसको देखो त्यांश को देख कितना खुश हो रहा है। बाहर गिर ना जाए, मनाली वैसी बहुत पतली है, बादल बरसा, बारिश आ रही है, बाहर बारिश आ रही है, हाँ हाँ बहुत बूंदा बांदी हो रही है। इसको देखो, इसको देखो, ये देखो ओ, उसको देख कितना खुश हो रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। फ्रेंड्स अभी करते हैं लंच और देखो लंच में क्या बनाया आज। सो फ्रेंड्स आज लंच में है रायता, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वाले पराठे, जलेबी और अचार। करते हैं फिलहाल नाश्ता और नायसा यहाँ खा रही है अपना खाना। कैसा लगा पराठा नायसा? टेस्टी, वेरी टेस्टी। खा लो खाना। मैंने तो खा लिया आंटी। खा लिया? हाँ। चलो ठीक है फ्रेंड्स, बस हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए और देखो मनाली हमारे साथ आ गई है। ये देखो अब ये स्टडीज करेंगे फ्रेंड्स, अब दोनों के दोनों मिलके ग्रुप स्टडीज करेंगे क्योंकि दोनों के एग्जाम है और दोनों के फर्स्ट एग्जाम जीके का ही है, तो दोनों करेंगे प्रैक्टिस अपनी। फ्रेंड्स हम अपना ना ग्रुप स्टडी करेंगे है ना, और देखते हैं फ्रेंड्स मैं इनको कैसे पिटाई कर करके पढ़ाऊंगी आज, देखना आज आप। फ्रेंड्स देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा था और देखो कितनी तेज धूप आ गई कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी तेज धूप है। फ्रेंड्स देखो ये दोनों मिलके पढ़ रही हैं जीके की। कौन सी तैयारी? जीके की। नायसा और मोनाली कौन सी तैयारी? जीके की। चलो जल्दी जल्दी कर लो फिर मैं तुम दोनों का एक साथ टेस्ट ले लूंगी। ओके कितने चैप्टर करोगे? मैंने तो भी करे हैं। आप मुझसे एक-एक बार एक-एक चैप्टर पूछते हैं। ठीक है मनायसा आप? 6 चैप्टर्स। चलो ठीक है, जो जिसकी जैसा मानो वैसा करो और मुझे सुनाते जाओ, ठीक है? फ्रेंड छाले बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं और मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा, तो इस वजह से नायसा के भी हो रहे हैं छाले और मेरे भी, तो हम दोनों रोटी को चूर चूर करके दाल के साथ ऐसे अंदर खा रहे हैं ताकि ज्यादा चबाना ना पड़े, क्योंकि चबाने से मेरे तो टंग के पास हो रहे हैं और नायसा के यहाँ हो रहा है, तो बस दोनों को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, तो इस वजह से आज मैंने दाल बनाई है ताकि उसको चूर चूर रोटी करके खाएं आराम से और इजिली चबा पाए, नहीं तो बहुत टाइट हो जाती है तो खाई नहीं जाती। फ्रेंड्स देखो अभी मैंने टियाना को खाना दिया है और ये देखो ये क्या कर रही है, ये क्या मिट्टी में खेल रहे हो क्या टियाना?
मैं तो खाना कम लग रहा है और ये मिट्टी ज्यादा लग रही है। ऐसे कौन खाता है भाई? ये क्या खा रहे हो आप? हाँ हाँ, चाय पी रहे हो? ये चाय है? झूठ मत बोलो, बताओ ये क्या खा रहे हो? ये रोटी। रोटी के साथ क्या है ये? दाल। तो आपको खाने के लिए दिए, खेलने के लिए दिए? खाने के लिए दिए, खेलने के लिए दिए? तो फिर क्यों खेल रहे हो? देखो बहुत गंदी तरीके से चाय ना तुमने, बहुत ज्यादा हैंड्स गंदे कर लिए और ये मिर्च लग जाएगी आपके आईज में। ऐसे मत करो। अच्छा, हाँ बस अब जल्दी खा के फिनिश करो। हाँ फिनिश कर दो, प्लेट अपने पास लो, अपने पास लो। बस अब कल के लिए छोड़ दो कलरिंग, अब बस क्या ना, निन्नी टाइम हो गया, बस करो बेटा, सोना है, सुबह स्कूल भी जाना है। ना बस करो अब। फ्रेंड्स देख लो कितनी जोर से चिल्ला रही है ना, इसकी पिटाई कर दूं? बताओ आप, बताओ कर दूं इसकी पिटाई? कर दूं फिर ये रोएगी फिर? अभी बंद करो उसको। क्या हुआ? क्या हुआ ना ऐसा? क्यों दिखाओ? हाँ ना ऐसा छाला हो रहा है ये तो बेटा तेरे। इस पे तूने वो लगाया ऐसे करके, वो जो लगाते हैं क्या बोलते हैं उसको, अरे यार जो छाला होता है तो उस पर लगाते हैं, उस पर रान निकालते हैं। नहीं कल मैं तेरे को वो दूंगी, वो लगाई हो, बड़ी देर से इरिटेशन हो रही होगी ना, दर्द हो रही हो तो मेरे भी रही है, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। कोई नहीं फिर कल मैं मेडिसिन मंगवा देती हूँ। खा लेगी मेडिसिन? मेडिसिन खा लेगी? हाँ। या वो माउथ जो होता है वो लगाने वाला राल जो होता है? चल ठीक है, कोई नहीं मैं मंगवा दूंगी। ठीक है अब तो थोड़ा आराम कर लो। ठीक है सो फ्रेंड्स अभी करते हैं डिनर, और आज डिनर में बनाया है मैंने दाल और रोटी, और देखो फ्रेंड्स आज मैं कैसे खा रही हूँ। देखो ये है दाल और ये है रोटी, मैं इसको अंदर डाल के खा लूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरे मुंह में हो रहे हैं छाले। फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता है कि कोलकाता में इतना गंदा केस हुआ है, जो मतलब कि उसको देखने में सुनने में इतनी रूह कांप रही है ना, कि मतलब वो लोग वो इंसान कैसे हैं जो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। उस बेचारी के साथ इतना गलत हुआ है, इतना भयंकर हुआ है ना, कि हम तो कुछ बयान ही नहीं कर सकते फ्रेंड्स उस चीज़ के लिए। फ्रेंड्स मैं तो यही कहूंगी कि भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना हो जैसा उस लड़की के साथ हुआ है, मतलब कि दिल दहलाने वाले केस हुआ है फ्रेंड्स वो तो। और फ्रेंड्स इस केस के बाद अब हम सबको इतना ज्यादा डर लगने लग गया कि हम औरतें कहीं पे जाने लायक नहीं है और कहीं पर भी सेफ नहीं है, ना हम दिन में जा सकते हैं ना हम रात में जा सकते कहीं पर भी अकेले। और जैसे कि मेरी खुद की दो बेटियां हैं, मुझे खुद इतना डर लग रहा है कि मैं अपनी बेटियों को अकेले अब मैं कहीं भी लेके नहीं जा रही हूँ फ्रेंड जब से, क्योंकि इतना ज्यादा मन में बहम हो गया है, डर लग गया है कि कहीं पर हम जाएंगे कभी हम ऊंच नीच ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इतना ज्यादा डर लग गया अंदर से कि रूह कांपने लग गई है उस चीज को देख के। इस केस के बाद तो अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब बच्चों को हम पढ़ाने भेजे भी या नहीं भेजे, या किस तरीके से अगर कोई कोई हमें कोई कोर्स भी कराना हो तो भी हमें डर लग रहा है कि हम भेजें वहाँ, बच्चे जाके सेफ है भी या नहीं है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं, आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।